क्वांटम क्लासेस इंडिया वाइड टीम में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में बहुपद के शून्यांक के ज्यामितीय अर्थ पढ़े थे, यानी कि जो भी बहुपद दिया हुआ है, चाहे एक घातीय हो चाहे द्विघातीय हो, यानी लीनियर पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उस पॉलिनोमियल के जीरोज या शून्यांक ज्ञात करने के लिए हम लोग ग्राफ मेथड का यूज करते हैं। और उस ग्राफ से हम लोग कैसे ये पता करते हैं कि उसका जीरोज कहाँ पर मिलेगा और कैसे मिलेगा, साथ ही कितना मिलेगा। हम लोगों को मालूम है कि जब कभी भी हम लोग लीनियर की बात करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की, लीनियर का मतलब एक्स की पावर वन, यानी उसमें जो भी वेरिएबल है, एक्स में हो, वाई में हो, जेड में हो, जिसमें भी वो इक्वेशन दिया हुआ या पॉलिनोमियल दिया है, तो उसमें उसकी उतनी ही वैल्यू निकलती है। लीनियर है यानी उसमें एक शून्यांक या एक शून्यक या एक जीरोस निकलेगा। इसी तरह से अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो द्विघात बहुपद के लिए है, यानी इसमें एक्स की या वेरिएबल टर्म जो है उसकी पावर 2 होगी, और 2 पावर होने के कारण इसमें जो एक्स की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, यानी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी 2। बट हाउ कैन वी फाइंड दिस वैल्यू बाय द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और बाय द ग्राफिकल मेथड। यानी ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे पता करेंगे किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कि ये किसका इसका कितना जीरोज आएगा और वो कैसे निकालेंगे। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमने एक इक्वेशन ले लिया, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब एक ये द्विघात बहुपद है यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ में हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस है, तो यहाँ पर इस चीज को पी एक्स को ही हम लोग वाई लेट करते हैं, तो वाई इक्वल टू हमने पी एक्स लेट कर लिया। अब वाई इक्वल टू एक इक्वेशन अपने तरफ से जो माना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू हमारे पास आती जाएगी। जब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएगी तो उस वैल्यूज की हेल्प से हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या क्या रखा जाए और उससे उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आती है। तो हम लोग जनरली ग्राफ जो प्लॉट करते हैं कोशिश करते हैं कि एक निगेटिव वैल्यू रखा जाए, जीरो रखा जाए, और उसके बाद जीरो के बाद जो हमारे हैं कोई पॉजिटिव वैल्यू रह जाए। एटलीस्ट 3 वैल्यू तो रखना ही पड़ता है, लेकिन अगर उससे आपको ग्राफ क्लियर नहीं होता है, नहीं समझ पाते हैं, तो उस केसेस में आप 5, 6, 7 भी रख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इस ग्राफ में यहाँ पर क्या करते हैं, पुट करते हैं जो हमारा पास पॉलिनोमियल है, y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इस पॉलिनोमियल में हम लोग इक्वेशन में यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं x इक्वल टू, एक कोई निगेटिव वैल्यू हमने रख लिया, x इक्वल टू माइनस 1 रख लिया मान लेते हैं। तो जब माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ से y इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर आएगा माइनस 4 इंटू माइनस 1 और ये प्लस का 3। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 4 और प्लस 3, यानी इस तरह से ये 8 आ गया, तो y इक्वल टू आ गया 8। तो इस तरह से जब हमने x की वैल्यू माइनस 1 रखा तो वाई हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गया, सबसे पहले एक्स वाला लिखा जाता है, देन वाई वाला लिखा जाता है। तो एक्स का हो गया माइनस 1 और ये वाई का हो गया 8। तो माइनस 1 माइनस 8 एक हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम लोग दूसरा कोऑर्डिनेट पता करेंगे। दूसरा कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम लोग इसमें एक बार अब जीरो रख देते हैं, यानी जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें एक हम लोग जीरो रखते हैं। जीरो कैसे रखा जाएगा, यहाँ पर y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो यहाँ पर पुट कर रहे हैं x इक्वल टू जीरो, देयरफोर y इक्वल टू आ जाएगा जीरो का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू जीरो प्लस 3। तो यह आ जाएगा, ये तो जीरो ही रहेगा,
और ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस थ्री बचेगा यहाँ पर, y इक्वल टू प्लस थ्री। इसलिए हमारे पास अब कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0, 3। अब हम लोग दो कोऑर्डिनेट निकाल लिए। दो कोऑर्डिनेट निकालने के बाद तीसरा कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पर, अब जैसे हमने कहा कि एक निगेटिव वैल्यू जनरल रखते हैं, फिर जीरो रख लेते हैं, जीरो के बाद कोई पॉजिटिव वैल्यू भी रखते हैं, तो एक बार हम कोई दूसरा पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं। नाउ अब इसमें हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1, देन क्या हो जाएगा, देन y इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ x स्क्वायर की जगह 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, यानी ये आ जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 प्लस 3, यानी कि 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 0, तो ये आ गया y इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1, 0। अब हम चाहे तो 3 से ही ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, चूंकि लेकिन बोर्ड पर खींच रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आएगा कि वो स्केल स्केल तो लिए नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक आध और भी पॉइंट निकाल लेते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट ग्राफ जो है मिल पाए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और भी हम लोग टर्म ले लेते हैं, x इक्वल टू 2 और 3 भी लेकर के, और 2-3 वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो है, अभी जो जो कोऑर्डिनेट निकालने हैं उसको लिखते चलते हैं, नहीं फिर भूल जाएगा अभी। यहाँ पर -1, 8 है, और इसके बाद जो निकला था वो निकला था हमारे पास 0, 3 निकला था, और तीसरा कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले थे 1, 0। तीन कोऑर्डिनेट अब तक निकाल चुके हैं, एक -1, 8 निकाले हैं, दूसरा 0, 3 निकला है, और तीसरा हम लोग कोऑर्डिनेट निकाले हैं 1, 0। ये तीन कोऑर्डिनेट निकाले हैं, चौथा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इसमें पुट करने जा रहे हैं, पुट x इक्वल टू 1 तो रख ही लिए थे, अब 2 रख रहे हैं, यहाँ पे 2 रख रहे हैं, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू आएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 3, 8, 4 और 3 कितना होता है, 4 और 3 7, 7 माइनस 8, यानी आ गया -1, देयरफॉर इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 2, -1। तो एक हमारे पास नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया 2, -1, यानी एक अब यहाँ पर और लिख लेते हैं 2, -1। एक और निकाल लिया जाए, एक लास्ट एक और निकाल लेते हैं, पुट है हम लोग यहाँ पर x = 3 रख लिए, देयरफॉर y = आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 और प्लस का 3, यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 3 जा 12 प्लस 3 9 और प्लस 3 12 12 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 0। इसलिए हमारे पास जो एक लास्ट कोऑर्डिनेट 3, 0 आया, तो ये 3, 0 भी ले लेते हैं। इस तरह से हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट आ गए, हमारे पास कोऑर्डिनेट -1, 8 0, 3 1, 0 2, -1 और 3, 0, इतने सारे कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये सभी कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो इसमें रखेंगे। जैसे अब हमने एक यहाँ पर क्या किया, एक्स एक्सिस का एक लाइन ड्रॉ कर लिया हॉरिजॉन्टल, और एक वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश ड्रॉ कर लिया। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो वाई एक्सिस का जो ऑर्डिनेट है, ये अवशिषा, ये ऑर्डिनेट यानी कि ये भुज, और ये हिंदी में कोटि, तो भुज और कोटि, तो कोटि जो है ना 8 है, यानी ये तो x होता है और ये y होता है, तो जब ये x होता है ये y होता है, तो y एक्सिस पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट किया है तो 1 से लेकर के 8 मार्क तक कर लिया। लेकिन x एक्सिस पे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हाईएस्ट 3 तक ही आया है, 3 तक आया है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा 3 से आगे 2-4 और पॉइंट खींच लिया। अब यहाँ पर हम लोग को ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहला कोऑर्डिनेट हमारा है -1, 8। अब -1, 8 कहाँ होगा, -1 होता है x एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी ये हो गया हमारा -1।
अब यहां से कहां तक चलेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल 8 पॉइंट तक, इसके पैरेलल यहां तक 8 तक चलेंगे, ये जो है हमारा 8 तक, 8 पॉइंट तक इसके पैरेलल चले, और ये कहां तक आ गए, इस पॉइंट तक आ गए, यहां से इसके पैरेलल, ये जो हमारे पास पॉइंट आया ये हमारा ग्राफ हो गया -1.8 का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है दूसरा कोऑर्डिनेट है 0.3, जीरो एक्स एक्सिस पे ही है, तो यानी कि ये जीरो यहाँ पे हो गया, ओरिजिन पे जीरो हो गया, और वाई एक्सिस पे ये है 3, क्योंकि ये वाई होता है, ये एक्स का कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई का, तो वाई पे 3 चलना है, तो 3 यहाँ पे आ गए यहाँ पे इस जगह, तो ये हमें ऐसे घेर दिया और ये 0.3 लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 1.0, यानी एक्स एक्सिस पे हमारा 1 लेंथ चलना है और वाई 0, तो एक्स एक्सिस पे तो हम लोग यहाँ आ गए इस वाले पॉइंट पे, तो इस जगह यहाँ पे ये वाई हो गया, ये हमारे पास ये 1.0 का कोऑर्डिनेट हो गया 1.0। अब उसके बाद आता है 2-1, तो ये 2 और -1, 2 यानी x एक्सिस पे 2 चलना है और y पे -1, तो 2 तो ये है, 2 पॉइंट ये है, और -1 यानी y एक्सिस पे -1 यहाँ पे ये -1, तो हम लोग इधर कहीं या ये जो है लाइन थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये इस जगह से ऐसे चलेंगे और इधर से इधर आएंगे, ये जिस पॉइंट पर मिलेगा यही हमारा हो जाएगा, ये माइनस कितना है 2-1 का कोऑर्डिनेट हो गया, और ये हमारा था यहाँ पे लिख देते हैं ये 1.0 था ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 3.0, 3 यानी x एक्सिस पे ही 3 यहाँ है, ये पॉइंट ये 3 है और 0 यानी ये 3.0, x एक्सिस पे 3 लेना है और इस पे 0, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्री हैंड से मिलाएंगे, तो ये हमेशा ये इसको फ्री हैंड से मिलाते हैं, ये जो है ये ऐसे आएगा, इसको मिला दिया, ये आगे इस तरह से जाएगा आगे, जब कोऑर्डिनेट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी होता है तो ये हमको कर्व ही मिलता है, और ये जो कर्व मिलता है इस कर्व को हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, इसको पैराबोला कहते हैं। तो पैराबोला के 4 अलग अलग कंडीशन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्मूला जो हमारा होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो क्वाड्रेटिक हमारा पॉलिनोमियल है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अलग अलग 6 कंडीशंस निकालेंगे, वो डिपेंड करता है कि हमारा जो हम ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट ए है, ए की वैल्यू वो लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, और इस तरह से इसका जो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे हिंदी में विविक्तकर बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें ये 3-4 कंडीशन होती है कि जब डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 और डी लेस देन 0, तो इससे रिलेटेड जो 3 कंडीशन दिया है, इन तीनों के केसेस में ए की वैल्यू एक बार ग्रेटर देन 0, एक बार लेस देन 0 ले करके इन तीनों से दो दो कंडीशन बनेंगे, तो टोटल 6 हमारे पास ग्राफ खींचे जाएंगे, और ये जो 6 ग्राफ होंगे वो कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो हमने यहाँ पर बताया कि जब कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उस या क्वाड्रेटिक हमारा पॉलिनोमियल होता है तो उसको जीरो जब निकालते हैं तो वो उसका जीरो होता क्या है, कैसे पता करेंगे, तो जो हमारा x एक्सिस का कोऑर्डिनेट x एक्सिस है, x एक्सिस पे जहां पर ये हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, जहां पर इसको प्रतिच्छेद करेगा, जहां पर ये काटेगा, x एक्सिस के जिस दो पॉइंट्स पे कट करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसमें x की दो वैल्यूज आएंगी, तो दो वैल्यूज आएंगी, तो ये x एक्सिस पे जहां भी दो पॉइंट पे कट करेगा, उस दो पॉइंट के जो हमारे पास अवशिष्टा होता है यानी हिंदी में भुज,
भुज का मतलब हो गया यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू होती है, एक्स की वैल्यू, जहाँ एक्स की वैल्यू 1 है यहाँ पे 3 है, तो यही हमारा क्या होता है, इस इक्वेशन का जीरोज कहलाता है। फिर से ध्यान से सुनिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वहाँ पर जो हमारा वेरिएबल टर्म होता है उसके दो जीरोज होते हैं, और दो जीरोज कैसे निकलते हैं ये पता करने के लिए जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो हमेशा एक पैराबोला आता है, पैराबोला यानी इस तरह का एक कर्व होता है, और ये जो होता है एक्स एक्सिस को जिस दो पॉइंट पे कट करेगा उसका जो भुज होता है, भुज यानी एक्स वाला एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है वही उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1.0, 1.0 और दूसरा है 3.0, इस पे ये कट कर रहा है 3.0, यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसलिए इसका ये भुज जो है, भुज है 1 और कोटि है 0, यानी इसका अवशिषा है 1 और ऑर्डिनेट है 0, इस तरह से इसमें भुज है 3 और कोटि है 3, यानी इसका अवशिषा है 3 और ऑर्डिनेट है 0, तो ये 1 यानी x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 यही इसके जीरोज कहलाएंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा ये वीडियो था और यही इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग क्वाड्रेटिक लेंगे तो इसका ये होगा। नेक्स्ट वीडियो में अभी जो हमने बताया कि द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो इसका जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका एक हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला या इसका एक बहुत सारे करीब 5-6 जो कंडीशन बता रहे हैं कि यहाँ डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तकर जिसको कहा जाता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें d की वैल्यू 3 अलग अलग कंडीशन होती है, जब रियल वैल्यू होता है तो ये d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो इस केसेज में इसके रूट्स जो होते हैं ना रियल होते हैं, और एक बार रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट भी होते हैं, डिस्टिंक्ट, और एक बार ये जब इक्वल टू होता है तो रियल तो होता है लेकिन इक्वल रूट्स होते हैं, तो ये जो कंडीशन क्वाड्रेटिक वाले में जब पढ़ा जाएगा तो इनका जो ग्राफ प्लॉट होगा तो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये जो 3 अलग अलग कंडीशन हमने बताया तो इसमें क्या होता है, ए एक बार ग्रेटर देन 0 होगा तब की कंडीशन पढ़ेंगे, लेस देन होगा 0 के तो कंडीशन, तो प्रत्येक के 3 2 2 जो है अलग से ग्राफ प्लॉट होंगे, यानी इस तरह से 6 ग्राफ आएंगे। इस 6 ग्राफ को जानने और सीखने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी कीजिए, आप लोगों का कमेंट हमें और ज़्यादा मोटिवेट करेगा तो हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।